का योग योग 16 सितंबर का दिखाता है कि उस दिन प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का अवसर है और उस दिन बुध भी मार्गी होने जा रहे हैं। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर सूचना दे रहे हैं कि समय आपका अनुकूल रहेगा और यदि आप इस समय पर धर्म की तरफ ज्यादा जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन धार्मिक रहेगा, किसी को अहित करने का मन नहीं करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ मन रहता दिखाई दे रहा है। बुध के मार्गी होने का अवसर भी आ गया है तो ऐसे में बुध आपको शुभ कार्य की तरफ प्रेरित कर सकता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, भाग्य जगाने में कुछ ना कुछ रास्ता बनने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपके लिए अच्छा ये है कि शुभ तिथि के निमित्त आप कुछ कार्य करें, शनिवार का अवसर है तो ऐसे में शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो धन भाव में, कुटुंब भाव में चल रहे हैं, तो घर में शांति के निमित्त कोशिश करें कि एक पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा एक दिया जला दीजिए, थोड़े तिल उस पर रख दीजिए, देखिए कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। वहीं 17 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है भाद्रपद मास की और साथ साथ रविवार का अवसर पड़ रहा है और तुला राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का परिवर्तन भी होगा। साथ साथ इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है, सूर्य का परिवर्तन भी होने के योग बन रहे हैं और सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए कई तरह के आगे बढ़ने के योग बना सकता है। ये सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। रविवार के दिन सूर्य संक्रांति की तरफ जा रहे हैं, कन्या संक्रांति की तरफ, और आपकी संक्रांति कन्या में जाने के कारण से क्या होगा, सूर्य भाग्य में चले जाएंगे तो आपका सब कुछ भाग्य जो है सूर्य के अनुसार से कार्य करेगा। सूर्य की कांति से बढ़ती है लेकिन कुछ खास बातें ध्यान रखने की जरूरत है इसमें आपको। विशेष तौर पर एक तो रविवार के दिन हृदय योग बन रहा है तो चावल का दान करना विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य के निमित्त आपको विशेष तौर पर अर्घ देना चाहिए, आदित्य त्रिशूल का पाठ करना चाहिए और साथ साथ द्वितीया तिथि पड़ रही है और द्वितीया तिथि का चांद निकलता है, चंद्र दर्शन भी आज होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राशि के अनुसार से एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन चंद्रमा जो है वो जब दिखाई दे उनका दर्शन करके अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, कई कष्टों को हरने के योग बन सकते हैं इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेने से। कहा जाता है कलंक से निवृत्ति हो जाती है, कई प्रकार के दोष जो आने वाले समय में अनजाने में आपके सिर पर मरने के योग बन सकते हैं उन सबसे रक्षा होने का योग बन जाएगा। तो ये आज का चांद आपके लिए वरदान साबित हो सकता है तो उसको अवश्य दर्शन करके फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, गऊ का आशीर्वाद लें, गऊ का पूजन करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 18 तारीख की, 18 तारीख को तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर, भाद्रपद मास की तृतीया, शुक्ल पक्ष की वराह जयंती का अवसर है तो ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़ने के अवसर आपको बन सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कार्यों में बिल्कुल तटस्थ होकर लग जाएं काम पर, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग अवश्य बना सकते हैं। गज के श्री योग विद्यमान है, बृहस्पति के सामने चंद्रमा आ गए हैं और ये आपके लिए लाभ के संकेत प्रबल रूप से दे रहे हैं तो आपके लिए सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का योग बनेगा तो उसका आपको लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान सोमवार का अवसर है तो ऐसे में विशेष तौर पर गंगा जल से, तुलसी दल से चंदन मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं क्योंकि वराह जयंती है, उनका चरणामृत ग्रहण करें, आपकी आधी व्याधि समस्त चीजों को हरने का योग बन सकता है। चरणामृत बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करें, चंद्रामृत के निमित्त एक मंत्र आया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बहुत सुंदर है तो इसी श्रद्धा भाव से इस चरणामृत को ग्रहण करें। देखिए जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी के समस्त जीवों की, पृथ्वी के समस्त जो कष्ट थे हर लिए थे, वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का संहार किया था तो ऐसे में आप भी उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाकर उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 19 तारीख को चतुर्थी तिथि है और गणेश जी का जन्मदिवस है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का अवतरण हुआ है, इस बार योग भी बड़ा सुंदर बन गया है, उस दिन मंगलवार भी पड़ गया है तो अंगारक चतुर्थी बन गई है, यानी मंगलवार चतुर्थी का योग यानी मंगल का जन्मदिवस भी बन गया है। साथ साथ मंगलवार भी है तो हनुमान जी का जन्मदिवस तो है ही है और आप समझे गणेश जी कौन, भगवान शिव के अंश, मंगल कौन, भगवान शंकर का अंश, वीरभद्र ही मंगल है जो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए थे, क्रोध बीच से उत्पन्न हुए थे और साथ साथ हनुमान जी तो है ही, हनुमान शंकर जी के अवतार तो विशेष तौर पर शंकर की कृपा प्राप्त करने के निमित्त समस्त प्रकार से उनका समर्पण करने का योग है तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला, गणेश जी को चोला अर्पित करें, गणेश जी का पूजन करें, ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए, बड़ा सुंदर योग बनाने वाला रहेगा आपके लिए। ऐसे में भाद्रपद मास के विशेष तौर पर इस दिन भद्रा भी पड़ गई है जो दोपहर तक विद्यमान है। कई लोग अनजाने में इस तिथि में विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन अनजाने में ग्रह तो नहीं, योग तो नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान के अनुसार से कई नई चीजों का आरंभ कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी है महाराष्ट्र में, ये बहुत सारा पर्व चलता है तो ऐसे में लोग अपनी कोई नए वेंचर का, नई दुकान का, नए व्यवसाय का, नई चीजों का, नए घर प्रवेश का योग बना लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन भद्रा विद्यमान है और रिक्ता तिथि है तो ये योग शुभ नहीं रहेगा तो ऐसे में
बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ ऐसा कार्य कीजिएगा। हमारे दृष्टिकोण से ये योग शुभ नहीं है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि प्रशस्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो अन्यथा कष्ट हो सकते हैं। ग्रह योग आपके लिए जो हुए, हमने कहा गज केसरी योग विद्यमान है, धनागमन के योग बन रहे हैं, तो कार्य बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से विजय के योग बन सकते हैं और आपका हिस्सा आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। 20 तारीख की गणना देखें तो उस दिन पंचमी है, बुधवार का अवसर है और साथ साथ वृश्चिक राशि में ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के संकेत देगा, लेकिन मन थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा। मन को ठीक करने के लिए क्या करें, चंद्रमा को प्रशस्त करने का उपाय करें, सूती वस्त्र ब्राह्मणों को ऋषियों को दान करें, यह आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है, क्योंकि ऋषि पंचमी है उस दिन, संतों की सेवा व ब्राह्मणों की सेवा, साधु जन ज्ञानी जन की सेवा करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, ग्रह कष्ट निवारण होगा, शुभ शुभ होगा, कल्याण होगा। नमस्कार।